क्यों संपत, समझे राजनीति क्या होती है? हाँ, अरे हमारा बेटा नहीं समझ पाया, कम से कम तुम तो समझ लो। जनता के सामने हमारी इमेज ना खराब हो, इसलिए हमारा यहाँ पर आना आवश्यक था। अर्जुन शर्मा और उसके परिवार पर अगर थोड़ी सी भी आंच आए तो नाम किसका खराब होगा? हमारा होगा। अरे भाई, बरसों लग जाते हैं नाम कमाने पर, लेकिन उसी नाम को खाक में मिलाने के लिए एक पल भी बहुत होता है। अर्जुन जी, क्या बात हुई आपके और साहब जी के बीच? नो कमेंट्स। सर प्लीज, हम इस समय अर्जुन शर्मा के घर के बाहर खड़े हुए हैं। जहाँ सुना तुमने सिमी, नो कमेंट्स। बोलती बंद हो गई अर्जुन शर्मा की, क्योंकि उसका झूठ जो सामने आ गया। पर मीडिया के सामने एक बार सॉरी बोल देता कि उसे गलती हो गई है, हम माफ कर देते यार। पर नहीं, कैसे बोलता वो? सॉरी बोलने के लिए तो बड़ा दिल चाहिए, और अर्जुन का दिल वो तो छोटा ही है। एक वो है, और दूसरी तरफ हमारे पापा है, जिनका दिल इतना बड़ा है कि जिस इंसान ने उन्हें बदनाम किया वो खुद उसके घर गए और उसे शाबाशी दी। सिमी, बात तो तुम सही कह रही हो, पर थोड़ा शांत। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाए? एक तो गलती करने के बाद भी अपनी ऊंची नाक रखकर वो इतना इतरा रहा है। सिमी, अब तुम्हें कोई आइडिया दो यार, जिससे उस अर्जुन शर्मा की नाक को काट सके हम। भैया, एक चाय और बिस्किट का छोटा पैकेट दे। एक चाय हमारे लिए भी। तुम यहाँ? अगर यही सवाल हम तुमसे पूछें तो? थैंक यू। हम जैसी हैसियत बची है उसी हिसाब से जीना पड़ेगा ना। इतना ही खर्च कर सकते हैं हम खुद पर। तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि ये नाटक कुछ ज्यादा हो रहा? ठीक है, अब लगता है तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा। हमारे पापा का अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया, सब कुछ अपने नाम पे कर लिया। एक ही दिन में सब कुछ चला गया। अब कुछ ऐसी हैसियत बची हमारी, पापा डिप्रेशन में और माँ हॉस्पिटल में।